सो फाइनली गाइस मंदिर के बाहर आ चुके हैं हम। आओ दोनों गिर गए। जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुखराज टॉक ब्लॉग्स। एंड फाइनली गाइस हमारा ट्रिप हो चुका है स्टार्ट। देख लो हम बाहर खड़े हुए हैं और अभी सीन क्या है कि हम पंप पे रुके हैं, गाड़ी को फ्यूल अप करा रहे हैं। जाना बुलेट पे था, आपको पता ही है बुलेट की राइड की हमारी कंफर्म हुई थी, लेकिन हमारे मोनू भाई भी रेडी हो चुके हैं तो ये बोला कि मेरे को गाड़ी में चलना, तो गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो मैंने गाड़ी वगैरह रेडी हो चुकी है, अभी फ्यूल अप करा रहे हैं यहाँ पे और सीधा अभी यहाँ से निकलेंगे हम सालासर धाम के लिए। सालासर धाम का भी लोग आने वाला है मजा फुल, और जो मैं रास्ते में मतलब कि कौन सी सिटी से जाएंगे वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी गाड़ी में बैठते हैं, फ्यूल अप कराते हैं, फिर मिलते हैं आपको, इनसे मिलवाता हूँ। ठीक है, ये देख लो भाई, ये भाई कह रहा है कैमरा लाउड नहीं है, बताइए स्कैनर दे भाई। सो गाइस अभी चल रहे हैं, ठीक है फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस फ्यूल अप करा के अभी निकल चुके हैं और मैं रास्ते का टूर बताता हूँ आपको, कहाँ कहाँ से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे हम? नरवाड़ा हम निकलेंगे ऐसे, खनौरी तो है ही, हम नहीं अब शुरू से खनौरी से कर रहे हैं ना। हाँ। खनौरी, नरमाना, बरवाला, सार, चूरू, सालासर तो ये मेन सिटी है जो बिग सी है। ये बताइए मैंने आपके, बाकी छोटी छोटी सिटी तो बहुत आएंगी, ये मतलब की जो फेमस सिटी है यही है। उसके बाद अभी कहाँ और कहाँ के कहाँ जाएंगे? आगे का सरप्राइज है, आगे के लिए आपके लिए सरप्राइज है। और टूर हमारा चलने वाला, कितने दिन का टूर होने वाला हमारा? फिलहाल हमारा 4 दिन का होने वाला, फिलहाल 4 दिन का टूर होने वाला, कम नहीं होगा, अपने लेवल पे जाएगा। ठीक है, पैसे खत्म हो गए वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो सो गाइस आगे रोड का व्यू चेक कर लो, रोड को बोल रहा हूँ मैं। अभी रहने में कितने डिपर जा रहे हैं ना, देख लो गाइस। अरे भाई कोई लूट रहा है, लूट गया, जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। तो ये भाई देख लो, हम बाइक पे जा, बुलेट पे जा रहे थे, ये भाई हमारे रेडी हुए हैं। हेलो बोल दो भाई, आज तुम चुप कैसे बैठे हो? आज भाई इसकी जान की प्रॉब्लम है, ज्ञान की बात कुछ पेलेंगे ज्ञान की बात आज। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं फिर। ठीक है, आगे मेन सिटी का व्यू दिखाऊंगा आपको विद साउंड। ठीक है, उसके बाद सालासर धाम आपको मिलेंगे। राजस्थान का व्यू चेक करो, क्या ही मजा आ रहा भाई। ये देख लो ट्रैवलर, हेलो ट्रैवलर, मजा आ रहा है? हाँ रे भाई मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है गाइस, एकदम बूम बम। ये देखो भाई डॉक्टर साहब, और अभी गाइस वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आगे गाड़ी भी देख, पिक वगैरह क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर भी देख ले तू, अब निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। डॉक्टर साहब भी भाग लिया आज तो भाई, क्या मट्टी है, क्या माटी है, रेत, इट्स रेत ब्रो भाई, रिसल बहुत है ये। भाई 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 मजा है, बाकी गर्मी है बट मजा बहुत है भाई। अब माटी नहीं दियो, टट्टी दियो, तूने टाइम टट्टी दी दो टाइम छी भाई। कहीं जाके चलते हैं भाई, ट्रैवलर जा रहे हैं जी, यहाँ पे राइड लेनी है इनको ऊंट की, देख रहे हो भाई।
ये बात मेरे को भी जाना है। तो गाइस हम भी बैठते हैं, ठीक है चलते हैं इसको भाई। ट्रैवल लात लूत तो नहीं मारता है, उस साइड भाग गया। तो भाई ये तो मेरे को बैठा नहीं रहा, बेइज्जती कर रहा है यार, लोकर की बेइज्जती हो गई, बेइज्जती कर रहा भाई। क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? ये बात ओ भाई भाई मजा आ रहा है गाइस। बूम बम हो गया, बूम बम। ये देखो मजा आ रहा है। आल्टो अपने वाली आल्टो गाइस मजा आ रहा, व्यू चेक कर रहे हैं भाई भाई भाई, क्या ही व्यू आ रहा है गाइस। भाई पांच ब्लॉक तो ऐसे बन जाएंगे व्यू व्यू के, व्यू की बन जाएगी कसम से। सही बात है, व्यू लेने आए हैं, मुझे भी लेने आए हैं। वही बात है ना गाइस, जो मंजिल का वो मजा नहीं होता, जो सफर का होता है, सफर में ही मजा आता है, ठीक है। जो आता है मंजिल तो हम इजी मतलब अचीव कर लेना, उसका मजा नहीं आता। ये मेरी ज्ञान की बातें नहीं सुन रहे, प्रियंका जा रही है भाई साहब आगे, प्रियंका गई। अभी इसमें सर्च करो सुखराज ठाकुर व्लॉग, बोल के बोलो सुखराज ठाकुर व्लॉग। प्रकट इनका प्रकट गया। बच गए, बोल बात से जा, बोल बात। चल चल ओए खड़ जाओ, स्लोमो बनाऊंगा थरी मैं। ओ खड़ जा, ओ दोबारा बढ़ाई, दोबारा जल स्लोमो बनाऊंगा। हाँ हाँ हो रही है। ये भाई फंस गया हमारा। सो फाइनली गाइस अभी भी हम रास्ते में ही हैं और सालासर पहुंचने के लिए अभी हमको जाना है कम से कम 30-35 किलोमीटर, और मुझे लगता है गाइस दर्शन हो पाएंगे। अगर हो गए तो व्लॉग आज का ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सुबह हम दर्शन कराने लेके जाएंगे, हो जाएंगे आज दर्शन? क्या भाई दर्शन तो हो जाएंगे फिलहाल, ऐसा है आरती वगैरह होगी 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 होगी, ठीक है। अभी तो बस जाके सिंपल दर्शन होंगे, अगर मेरा मानो तो सुबह चलते हैं, सुबह आरती वगैरह में। हाँ गाइस सुबह दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आरती वगैरह में बैठेंगे, क्योंकि व्यू भी सुबह
सुबह ही आपको देख, आपने देखना भी है वो सुबह ही दिखेगा। अगर शाम रात हो चुकी है कितना टाइम होगा देखना? सात बज चुके हैं और देख लो कितना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, फुल अंधेरा हो चुका है और सात बज चुके हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सुबह ही घुमाएंगे आपको, ठीक है? और सालासर धाम है वो, सुबह उसके दर्शन वगैरह सुबह ही होंगे। भाई जोर देनी है हमने, रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर दिखा दे भाई, सुनसान रास्ता है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कोई गाड़ी ऐसे चल रही है उधर कर भाई सामने कर, गाड़ी ऐसे चल रही है तो गाड़ी पे जी अंडा फेंके ना वाइपर, वाइपर नहीं चलाने क्योंकि भाई वो अंडा छप जाएगा। नहीं गाइस क्या होता है कि आप वाइपर चलाओगे तो फैल जाएगा शीशे पे और कुछ दिखेगा नहीं, तो उसको क्या करो भगा लो भाई गाड़ी को सिंपली। ये ज्ञान पहला गया, ये पहला ना ज्ञान दे यार, मेरा ज्ञान की बातें करते हैं। तो गाइस इसीलिए गाड़ी को भगा लो ना, रोको मतलब रोकना पैटर्न नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको शीशे अगर वाइपर चलाओगे तो शीशे पे आ जाएगा, ठीक है? तो निकली लो शीशे निकल जाओ उधर से 20-30 किलोमीटर निकल जाओ, आगे जाके साफ करो, आगे जाके साफ करो, सही बात है। एरिया देखो कर लेना, कहीं साफ भी कर लेना, कहीं भूल जाओ तो कुछ भी हो सकता है, वरना सुबह धूप में छोड़ देना, हाफ फ्राई बन जाएगा, सुबह खा लेना, ठीक है? तो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर आपको वहीं पे, देखते हैं क्या सीन होता है। सो फाइनली गाइस ये हो चुके हैं हमारी नेक्स्ट डे की सुबह, और अभी मैं नहा धो के रेडी वगैरह हो चुका हूँ, रेडी कहा हूँ बस कपड़े वगैरह डाले अभी, एंड उसके बाद कल हम आए और भाई मंदिर है जो मंगले हो गया था, मंगल एक नया वर्ड सीखने को मिला यहाँ से। तो और अभी हम जस्ट रूम के बाहर खड़े हुए थे, मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ, पहले मैं इस सालासर धाम की स्टोरी आपको बताता हूँ क्या हुई थी, क्या हुई थी यहाँ से भाई सालासर गाइड वाले भैया, गाइड वाले भैया सालासर की स्टोरी ऐसी है कि वैसी है, कैसी है जल्दी बताओ, ब्लॉग लंबा नहीं करना पड़ेगा, ब्लॉग तो लंबी की बात नहीं है। 1811 को एक वो था किसान था, वो हल जोत रहा था, जो उसने हल जोता, वो हल जोत रहा था, जो उसके चला रहा था जो तने की भाई, इनका भक्त था मोहनदास, उसको सपने में आए थे हनुमान जी, उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मूर्ति के रूप में मिलूंगा। हाँ, मूर्ति के रूप में तो वो मूर्ति मिली थी किसान को मिली थी, मोहनदास जी को उन्होंने सुपने में आके कहा था कि मैं आपको उसमें दाढ़ी मूछ में दर्शन दूंगा। हाँ, दाढ़ी मूछ में दर्शन दूंगा। तो गाइस ये सोलो एक ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की ना दाढ़ी और मूछ मतलब दिखाई गई है, अदरवाइज कहीं भी चले जाओगे आपको दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं मिलेगी हनुमान जी की, किसी भी मंदिर में जाओगे। लेकिन अकेले आई हनुमान जी ने ऐसा ही बोला था जिस मतलब कि बैलगाड़ी मेरे को लेके जाओगे ना, जहाँ वो बैलगाड़ी के दर्शन नहीं करवाएंगे आपको, जहाँ वो बैलगाड़ी रुकगी मेरी मूर्ति वहीं स्थापित कर दे। अच्छा हाँ। तो वो वहीं पे अभी मूर्ति बैलगाड़ी के दर्शन भी कराएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी रूम दिखाता हूँ आपको कहाँ रुके हुए हम, देख लो रूम की हालत बहुत गंदी है, सही बात है, ये देख लो, देख रहे हो गाइस यहाँ पे भाई सब जानवर सोए थे। सही बात है, जानवर ही सोए थे, और अभी हाथी गैंडे हाथी और गैंडे सोए थे भाई सब यहाँ पे रेनो और एलिफेंट। तो गाइस ठीक है, डंकी, तो चलो फिर मिलते हैं आपको वहीं पे, ठीक है सीधा भाई साहब रात। सो फाइनली गाइस मंदिर के बाहर आ चुके हैं हम, देख लो, और भाई चले अंदर, हमारा जूते चप्पल यहाँ उतारे, जूते चप्पल यहाँ उतारे, ठीक है उतार देते, वैसे चप्पल ही गाड़ी में पड़े हैं, शू वगैरह तो हमारे, चलो चलते अंदर, वीडियो बना रहा है क्या? बना रहे हैं जी, बना रहे हैं जी, हाय गाइस, हाय यार, वो बुग्गी है वो टंगा वगैरह, किधर? अच्छा मेन मंदिर कहाँ पे है? ओके वो रहा, वो नहीं है, वो नहीं है भाई, यो नहीं है। अच्छा आगे है गाइस, अभी दिखाते हैं, लगाई मोबाइल को, जो थाने भावे
ये वो गड्ढा था जिसपे बालाजी को लाया गया था, वो जो मूर्ति मिली थी किसान को इस गड्ढे पे लेके आया था। एक ये साइड में देख लो, दो पार्टों में ये केरा इस गड्ढे पे लाए थे 1811 को। कितने को? 1811 को इस पे लेके। देख लो गाइस, ये वो गड्ढा, ठीक है। तो फाइनली गाइस अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं और सीन क्या हुआ भाई, फोन जमा कर लिया उन्होंने और फोन दिया ही नहीं कि वीडियो वगैरह लाओ। भाई ऐसी भाई वहां से देख, दर्शन करी जा, हट मत मतलब कि ऐसा लग रहा था देखे जा, आंखों में आके डाल के रख लू भाई। चीज है कसम से भाई, जिंदगी का सुकून मिल रहा था भाई, रियल सच्ची बात। और भाई आना, सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा था भाई तेरा फोन ना दान पात्र में डाल दे, तेरा फोन दान दे भाई, फोन वहीं जमा करवा दीजिए। और बाकी मैं ये डर रहा था फोन जमा कराने में, इसलिए मैं उनको बोल रहा तुम निकाल लो, तुम्हारे बड़ा सस्ता है। मैं दोनों को बोल रहा था तुम, आपका सस्ता फोन है, आप बनाओ वीडियो। मैं दिला दूंगा पैसों से, मैं बोल रहा था एंड्रॉइड वाले पे लाओ मैं। और सीन भाई कसम से इतनी खतरनाक वाली वाइब आ रही थी ना, देखे जाओ बिल्कुल भी है। और कुछ ना, मैं अगर हो सके तो मैं कुछ गूगल से क्लिप्स उठाऊंगा और वो डालूंगा, ठीक है। तो 6-7 सेकंड की भाई मजा आ गया कसम, चीज थी भाई। सुकून का दूसरा नाम ना वो दरबार है, सही बात है भाई, मजा आ गया। कैसा लगा भाई? सुकून का दूसरा नाम नहीं, सुकून ही तो वो दरबार है, पहले नहीं दरबार ही है, रियलिटी है भाई, मानने वाली चीज है भाई, सच्ची बात है भाई, सच्ची बात है, चीज थी भाई। अभी चलते हैं खाटू श्याम, और सोचो अगर हमारी स्टार्टिंग इतनी ऐसी अच्छे से हुई है तो खाटू श्याम पे क्या होगा भाई। तो अभी इसी के साथ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2 दिनों में सिर्फ हमारा एक व्लॉग बना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा बना है, मज़ेदार बना है, तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और खाटू श्याम का व्लॉग भी हम लेके आएंगे अभी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग कह रहा है। चलो मिलते हैं गाइस, ठीक है भाई, लाइक प्लीज जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इनकी भी मान लो भाई, बोलो लाइक सब्सक्राइब, लाइक हाथ जोड़ के बेनती है भाई, बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, कर देना ठीक है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, थोड़ा मत ज्यादा करो, थोड़े से काम नहीं बनेगा अभी। चलो गाइस अभी थोड़ी शॉपिंग करते हैं, फिर मिलेंगे आपको खाटू श्याम का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाय बाय।